हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलो रूप्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हेयर फॉल क्यों होता है और हेयर फॉल को रोकने के लिए आप कौन कौन सी होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं, किन किन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं जिनसे कि आपका हेयर फॉल रुक जाए। विंटर में वैसे भी क्या होता है कि हमारी जो स्कैल्प होती है वो ड्राई हो जाती है, उसमें डैंड्रफ हो जाता है, या फिर हम सही से शैम्पू नहीं करते हैं, अपनी हेयर केयर नहीं करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, और हम अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, प्रोटीन इंटेक नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स बताऊँगी जिनकी हेल्प से आपके बाल झड़ना काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। सबसे पहला आपके लिए टिप्स ये है कि जब भी आप शैम्पू करें तो शैम्पू करने से 2 या 3 घंटे पहले अपने हेयर को अच्छे से मसाज करें। कोई भी हेयर ऑयल आप ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आलमंड ऑयल ले सकते हैं, जो भी आपके हेयर के टाइप के सूटेबल हो आप वो हेयर ऑयल से अपने हेयर पर मसाज कर सकते हैं। और जब भी आपको हेयर ऑयल का यूज़ करना है तो आपको उसको हल्का सा गुनगुना कर लेना है, क्योंकि जो गुनगुना तेल होगा ना वो आपकी स्कैल्प में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा और अच्छे अच्छे बेनिफिट्स देगा। तो जब भी आपको सही शैम्पू का चुनाव करना है आपके हेयर के अकॉर्डिंग, अगर आपके हेयर फ्रिजी हैं, ड्राई हैं, डैंड्रफ है आपके हेयर में, उसी के अकॉर्डिंग आपको शैम्पू का चुनाव करना है। कभी कभी क्या होता है, बालों में डैंड्रफ हो जाता है और बाल झड़ने लगते हैं, इसके लिए आप एंटी डैंड्रफ का शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप दही लगा सकते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जब भी आप अपने हेयर को वॉश करते हैं तो उस टाइम आप गीले बालों पर कंघी ना करें, और उसके बाद आप तौलिए से रगड़कर बालों को ना पोंछें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बाल कमज़ोर हो जाएंगे, बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी, तो उनको नेचुरल तरीके से उनको सूखने दें बालों को। थर्ड टिप आपका ये है कि बालों को आप खोल कर ना रखें। इससे क्या होता है कि ज़्यादा देर बाल खुले रहते हैं तो बालों में डर्ट, धूल, ये सब चीज़ें जमा हो जाती हैं, जिससे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और आपको अपनी लाइफ में हैप्पी रहना है, किसी भी तरीके का कोई टेंशन या स्ट्रेस इस तरीके का आपको नहीं लेना है। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप अंदर से हैप्पी रहेंगे, उतना ही आपकी बॉडी अच्छे से हेल्दी रहेगी और आपके हेयर हेल्दी रहेंगे। आपको अपने, चाहे आप कितना भी बिजी हो, पर आप 15-20 मिनट या 30 मिनट तक आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ जो बॉडी होगी वो एक्टिव भी रहेगी और आपके हेयर्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और आप पानी खूब सारा पिएं, दिन में 3 से 4 लीटर तक आप पानी का सेवन कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, आपकी स्किन में मॉइस्चर रहेगा और आपकी बॉडी काफ़ी हाइड्रेटेड रहेगी। इन टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने हेयर को मजबूत बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।